राधा से अपनी बात मनवाने के लिए देखिए क्या कुछ कर रहे हैं हमारे कान्हा। जी हाँ, स्टार भारत के शो राधा कृष्ण में आज कृष्ण अहंकार भरी राधा से कैसे अपनी बातों में उलझा कर मनवा ली अपनी बात। जी हाँ, शो में आप देखेंगे कि दाऊ और कृष्ण राधा को मेले में बच्चों को और बूढ़ों को मुफ्त में आने का सुझाव देते हैं, लेकिन अहंकार भरी राधा इस सुझाव को मना कर देती है। लेकिन राधा अहंकार में इस सुझाव को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन अभी भी कृष्ण राधा के इस अहंकार को देखने के बावजूद भी उनसे नाराज बिल्कुल भी नहीं है और वो मुस्कुरा भी रहे हैं, जो दाऊ को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। आपको बता दें कि रात को कृष्ण राधा के कमरे में घुस जाते हैं, जहां वो राधा के कक्ष में से सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं को अपने पास रखने लगते हैं, जहां ये राधा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एक बार फिर क्रोधित हो जाती हैं। लेकिन हमारे कृष्ण कहाँ इनके क्रोध को सुनने वाले हैं, वो राधा रानी को छल कर उन्हें अपनी बातों में उलझा लेते हैं। वेल, आपको बता दें कि इसी उलझन में राधा रानी को अपनी समस्याओं का हल भी मिल जाता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। सुबह दाऊ देखते हैं कि राधा रानी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है। वेल, कृष्ण का ये नटखट व्यवहार अभी खत्म नहीं हुआ है। वो राधा को अपने प्रेम का एहसास भी दिलाने की कोशिश करते हैं, जहां वो एक चूड़ियों की दुकान पर बैठ जाते हैं और राधा रानी को दूसरी गोपियों के सामने जलाने की कोशिश करते हैं और उनकी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि इनके बीच एक बार फिर प्यार का एहसास हो जाता है। वेल, क्या कृष्ण इसी तरह राधा रानी को संभाले रख पाएंगे? क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।